देखो टेंसेस जो है समझने की हद तक हम ये समझेंगे कि एक टेंस होता क्या है और उसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपके सामने मैंने शेयर किया हुआ है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल ऐसा टेंस है जो आप यूज करते हो फॉर रूटीन। इसको लिख लीजिएगा अपने पास कि जहां पे रूटीन की बात हो रही हो, कोई हैबिट की बात हो रही हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो, तो बेटा वहां पे क्या लगाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक, प्रेजेंट सिंपल टेंस यहां पे आप देखें, आई ईट लंच एट नून एवरी डे। मैं रोजाना लंच करता हूं दोपहर में। अब ये क्या चीज है? ये आदत है ना, ठीक है, ये आदत है। जुमला बनता कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए सब्जेक्ट मौजूद है यहाँ पे आई, वर्ब मौजूद है ईट, उसके बाद लंच करता है। अब इसके बाद का जो बाकी है ना, वो सारा कुछ आपको डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है। आई ईट लंच अगर मैं कहता हूं तो बात मुकम्मल है, सही है। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा होता है आपके पास? जो आपकी हैबिट, रूटीन या यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करें। क्लियर है ये बात? ठीक हो गया। जिस तरीके से मैं आपको लेकर चलूँ ना, बस उसी तरीके से आपने इसको पढ़ना है, ठीक है? आपको सारे टेंसेज आ जाएंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, अब यहां पे मैंने फर्दर एग्जाम्पल्स डाली हुई है यहाँ पे, ठीक। फर्दर एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गई आपके पास? ही स्टार्ट्स वर्क एट 11 AM, रॉब लीव्स वर्क एट 7 PM। जो भी तुम्हारे रेगुलर काम है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट कहलाएंगे। ये भी मैंने वही तरीका रिपीट किया है कि कैसे फॉर्म करना है। इसके अंदर ना एक चीज होती है, ही शी इट के साथ कुछ लगाते हैं, किसी में कुछ लगाते नहीं है। अब वो बात हमें देखनी है यहाँ पे। देखिए जी, यहां पे अगर हम बात करें, आई गो टू बेड, मैं आई गो टू बेड मतलब कि मैं सोने जाता हूं। अगर किसी और के लिए मुझे बोलना है तो ही गोज टू बेड हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रेजुएट 14 साल 16 साल इवन PhD करने के बाद भी वो सही अंग्रेजी नहीं लिख सकते। वो रीजन ही यही है कि वो यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगाना है और किसके साथ नहीं लगेगा। तो बेटा आई यू वी दे इनके साथ नहीं लगेगा। आई गो टू बेड, आई फिनिश वर्क, आई वॉच टीवी, इसमें वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगता। लगेगा किधर? ही शी इट और सिंगुलर नाम के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज के अगर उसकी बिलोंगिंग होगी कोई, बिलोंगिंग मतलब हिज फोन, मुझे बताइए हिज फोन सिंगुलर है या प्लूरल है? His phone, उसका फोन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो जो चीज सिंगुलर होगी उसके साथ आप वर्ब में एस और ईएस का इजाफा कर दोगे, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था आपका। अब आपको जनरल आइडिया हो गया प्रेजेंट सिंपल का, तो हम आगे चलते हैं। ये वाले इतने आपके काम के नहीं होंगे, ये सब आपको आता है पहले से।
अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हैज हैव जो है वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हैव तो हम यूजुअली थर्ड फॉर्म के साथ लगाते हैं. तो यहाँ ये क्वेरी देखते हैं, यहाँ पे क्या एग्जांपल दी हुई है, हैव इज एन इररेगुलर वर्ब, आई हैव अ गैरेज. इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक गैरेज है जहां मैं गाड़ी खड़ी करता हूं, तो ये बिलोंग करेगा किसे, प्रेजेंट सिंपल से. शी हैज अ यार्ड. बेटा यहाँ पे हैज और हैव जो है ना वो होने की टर्म में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, होना, ठीक है. आई हैव अ कार. अब क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है कौन सा भाई, ये सिंपल, ये हैव वो वाला हैव नहीं है, ठीक है. ये बात याद रखना कि हैज और हैव भी हम इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे उसका सेंस डिफरेंट है. जब मुझे इसका नेगेटिव बनाना होता है, अब देखो नेगेटिव क्या होता है, मैंने कहा यू आर अ डॉक्टर, आपने कहा नो आई एम नॉट अ डॉक्टर. जब आप नॉट लगा देते हो किसी भी चीज के अंदर तो वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है. कुछ जगहों पे हम डू नॉट लगाते हैं, कहीं डज नॉट लगाते हैं. डू और डज का चक्कर भी आगे आएगा, ये वर्ब पे डिपेंड करता है. बच्चों यहां तक बात समझ में आ रही है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि बस थोड़ा सा बता बता के हम आगे की तरफ बढ़े, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कर लें. अगर कोई स्टूडेंट है जिसे नहीं समझ में आ रही वो बता सकता है. हाँ जी, ये एस और ईएस वाला चक्कर आ गया. यहाँ पे एस और ईएस में मामला क्या है, अगर मैं कहता हूं कि आई वर्क आउटसाइड, यहां देखिएगा थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, आई वर्क आउटसाइड, बेटा वर्क क्या है इसके अंदर, वर्ब है वर्क, सही है. वर्क आपके पास वर्ब है या वर्ब आपके पास है वर्क. अब इसके अंदर कहीं एस और ईएस लगा हुआ नहीं लगा हुआ ना, तो इसको जब तुम नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे ना तो सिंपली डू नॉट आ जाएगा. अगर तुम्हारे वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा हुआ तो तुम उसको डू से बनाओगे, ठीक है. अब जैसे अगला जुमला है, ही वर्क्स इनसाइड, तो अब मुझे बताओ बेटा वर्क में ये एस इजाफी लगा हुआ है, यस. अगर यहां पे इजाफी वर्क में एस लगा हुआ है तो इसको हम रिमूव करेंगे, कहां लेकर जाएंगे, डज में. तो उस डू के साथ तुम मजीद ई एस का इजाफा कर दो और इधर से उसको हटा दो, तो इसका नेगेटिव ऐसे बनता है. ये आया हुआ है पास पेपर्स वगैरह के अंदर ना. आप कैसे सॉल्व करोगे, वर्क्स, वर्क्स का नेगेटिव बनाने के लिए डज आ जाएगा. जब तुमने डज उतारी लिया तो ये एस खत्म हो गया, तो अब आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है. बोलो बच्चों क्लियर हुआ यहां तक. ओके गुड, चलें ये बस आगे आगे बढ़ते रहते हैं, सारी चीजें करनी है, फिर एंड में ना एक छोटा सा हम वो भी कर लेंगे, इसका क्विज भी कर लेंगे एक तरीके का, ठीक है. आप क्वेश्चन वाले आ जाएंगे, इसमें क्वेश्चन देखते हैं. साथ साथ आप लोग अपनी वोकैबुलरी भी बेहतर कर सकते हो. टेस्ट भी होगा ना लास्ट, जैसे मेरे पास आ जाएगा ना कि आपके 10 मिनट बचे हैं आखिरी, उसमें हम टेस्ट की तरफ चलेंगे, वो मैंने बना के रखा हुआ है, सही. तो इसीलिए कह रहे हैं ज्यादा ज्यादा चीजें आप यहाँ पे कर लें. एम आई ऑन टाइम, अगर आपने वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है, आपने किसी से बात पूछनी है, क्या मैं वक्त पर आया हूं, सही है. तो क्या है एम आई ऑन टाइम, जुमला क्या होता है, आई एम ऑन टाइम. देखो
मैं वक्त पर आया हूँ, आई एम ऑन टाइम, क्लियर। मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है। तो सवालिया में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। मुझे बताइएगा आई एम ऑन टाइम में हेल्पिंग वर्ब क्या है। एम नवाब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये जो होते हैं ना, इज एम आर, गुड, इज एम आर, हैज, हैव, हैड, बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है सारे के सारे, ठीक है। अच्छा तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट लेकर आओ, और उसके बाद बाकी सेंटेंस। तो मैं कैसे बनाऊंगा, एम आई ऑन टाइम, ये सवाल बन गया, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो इसके बाद लाजमी वाई, हुम, जो भी मैं सवाल लगाऊंगा इसके बाद ना हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा, ये बात लिख लो बेटा अपने पास, सही है। वाई आर यू इल, एक जुमला है, ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं तुम बीमार क्यों हो। अगर मैं यू लिखूं वाई यू आर इल, मुझे बताइए सही सवाल कौन सा है, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। वाई आर, अब देखें कैसे पहचाना आपने, कोई भी सवाल होगा ना तो पहले डब्ल्यू एच आएगा, गुड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका, ये याद रखना हमेशा, चाहे तुम कोई रिटन भी टेस्ट दोगे ना वो यही आएगा उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है यू वर्क इन एन ऑफिस, अब सीखते जाओ ज्यादा से ज्यादा चीजें, यार ये एन जो है यहां पे क्यों लगा, ये एन, एन क्यों आया, एन इस वजह से आया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना ये यहाँ पे ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, गुड, या वॉवेल के साउंड हो या वॉवेल से शुरू हो रहा हो, ठीक है। यू वर्क इन एन ऑफिस, तुम एक ऑफिस में काम करते हो, बच्चों बताओ क्या वर्क के साथ एस या ईएस लगा हुआ यहाँ पे, वर्क के साथ एस और ईएस यहाँ पे नहीं लगा हुआ। जब वर्क के साथ यहाँ पे एस और ईएस नहीं लगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू, तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, टू इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गए यहाँ तक, अच्छा अगली वाली एग्जांपल समझ लो, शी वर्क्स, शी वर्क्स, तो इसका जो एस है वो कहां आ जाएगा, सवाल में आ जाएगा, सही है, डज में आ जाएगा, गुड नवाब, बस यही है एक और क्या है, कुछ भी नहीं है टेंसेस, यही सारी चीजें हैं। अब सबसे आसान वाला आ गया, सबसे आसान आपके पास है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, कंटिन्यू का मतलब है कि समथिंग इज गोइंग ऑन, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपके पास डिस्क्राइब करता है कोई भी करंट सिचुएशन, जी उर्दू में अगर कहें तो अगर कोई काम जारी है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मिसाल के तौर पे She is wearing a dress. She is wearing a dress. In progress, very good. Subject,
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हर किसी का बेसिक रूल है, ऐसे ही रहेगा ये, क्लियर है? सबसे आसान है, इज एम आर लगाइए, आई एन जी लगा दें, ये बन गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो मैं हटा रहा हूं क्योंकि वो रिपीटिशन है सारी की सारी, बहुत अच्छा समझाया गया है। ओके, एक चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट की और नोट कर लेना अपने पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट वहां पे भी इस्तेमाल होता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी के हकीकत है, नेचर है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बच्चों क्या हमेशा ऐसे ही होता है, सूरज मशरिक से ही तुलू होता है, हमेशा होता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच बोलिए, ईमानदार रहिए, सबसे बेस्ट यही है। तो जो बातें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगी। डिसऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी, नवाब ये जो है ना पाकिस्तान के लिए ठीक है, बाकी दुनिया के लिए ना ये नहीं है, बाकी दुनिया वाले अप्रिशिएट करते हैं भाई ऑनेस्टी को, ठीक है? और इंटरव्यू वगैरह में भी नहीं बोल दीजिएगा, जब आप लोग टेस्ट वेस्ट पास करेंगे ना, हाँ टेस्ट पास करेंगे, बहुत अच्छा आपने रहना है वहां पे। अच्छा एक टाइप आती है आपके पास इंपेरेटिव्स, इंपेरेटिव्स क्या होते हैं? इंपेरेटिव्स ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर या तो ऑर्डर दिया जाएगा आपको, या हम ये कह सकते हैं कि वो वर्ब से शुरू हो, ठीक है? मिसाल के तौर पे स्टॉप द कार, गाड़ी रोको, कोई और उसने बात नहीं की, उसने सीधा आके आपसे हाय हेलो नहीं कर रहा, मतलब एक मिसाल जो पुलिस वाले नहीं होते, हाँ भाई गाड़ी रोको, कोई और बात नहीं, ना वो सब्जेक्ट देखते हैं, ना वर्ब देखते हैं, ना ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसके अंदर कहां से सब्जेक्ट उड़ा दो, ऊपर वहां से शुरू करो वर्ब से, ठीक है? जहां तुम्हें सवाल मिलेगा वो वाले सेंटेंस इंपेरेटिव कहलाते हैं। प्रेजेंट के बाद हमारे पास पास्ट आ जाता है, पास्ट और प्रेजेंट बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं बेटा, फर्क सिर्फ आता है किसका, वर्ब का, ठीक है? वॉल्टर वॉश्ड हिज कार ऑन ट्यूजडे, उसने ट्यूजडे को अपनी गाड़ी धोई थी। तो जितने थी वाले जुमले हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, पास्ट में। समझ में आ रही है बात जी? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है क्या उन्हें पता है कि प्रेजेंट टेंस जो है ना उसी तरह से पास्ट भी होता है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है आपने। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, कहीं पे थर्ड फॉर्म लगेगी, कहीं पे वॉज आएगा, कहीं पे वर आएगा, सिस्टम सारा वही है, ठीक है? समझ में आ गया? बस जल्दी जल्दी इसको देख लेते ताकि आपका ना ये रिव्यू हो जाए, आपको टेंसेस की समझ आ जाए। सर वॉज, आप पूछे वॉज का क्या, वॉज कहाँ आता है? वॉज आता है सिंगुलर के साथ, ठीक है? अच्छा जरूरी नहीं है कि सबके आखिरी में ईडी आएगा। आज यहां से एक और चीज सीख लो, दो तरह के वर्ब होते हैं, एक रेगुलर वर्ब होता है और एक इरेगुलर वर्ब होता है। फर्क पता है आप लोगों को रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में? जल्दी से बता दें, पता है तो भी, नहीं पता तो भी बता दें। रेगुलर वर्ब वो तमाम वर्ब होते हैं जिनके अंदर आप जब सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में जाते हैं तो वो ईडी के साथ एक खास पैटर्न पे चल रहे होते हैं, जैसे वॉश्ड, डांस्ड, ट्राइड, स्टॉप्ड। ये क्या है? ये सारे के सारे आपके रेगुलर वर्ब्स हैं।
इररेगुलर वर्ब कौन सा हो गया? गो, वेंट, गॉन, ईडी नहीं आया इसमें, ठीक है? नहीं वहां वॉज कहाँ यूज होता है पास्ट सिंपल में, सीधा सीधा वर्ब में ईडी लगा दो हो गया। वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ये जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब जब आएगा ना उसके साथ लगाने आईएनजी। जी बेटा डन। तो ये रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं ना, इसके नेगेटिव में हम डू और डज नहीं इस्तेमाल करते, इधर एक ही चीज आती है डिड। और याद रखो जब तुम डिड लिखते हो तो उसके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बच्चों रिवाइज करते हैं, जब हम डज लगाते हैं ना, डज लगाया हमने डी ओ ई एस डज, तो मेरा वर्ब जो है उसमें एस ई एस नहीं आएगा। सुलेखा ये बात समझ में आती है? जब मैंने डज लिख लिया तो वर्ब में एस और ई एस नहीं आएगा। दुआ जब मैंने डिड लिखा तो मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊंगा डिड के बाद? जी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब मैं डिड लगाऊंगा तो फर्स्ट, बेटा इसको लिख लो, याद कर लो, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है पेपर्स के अंदर भी और बोलते हुए भी लोग कर जाते हैं, ठीक है? अच्छा ये आप लोगों को पता ही है सारे के सारे, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। यहां देख लीजिए, आई वॉज ईटिंग लंच विद अ फ्रेंड, राइट? तो आपको क्या करना है, वॉज वर्ब लगा के आई एनजी लगाना है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट, डू की फॉर्म डिड है, ठीक है? डू की फॉर्म डिड है। अब प्रेजेंट परफेक्ट किधर किधर लगाएंगे? टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन और न्यूज। आई हैव अराइव्ड इन लंदन, आपके यहां कोई पहुंचने वाला होता तो बोलता है भाई जी मैं गली के कोने तक पहुंच गया हूं, तो वो ये नहीं बोलेगा कि आई एम अराइविंग, सही है? आई अराइव, नो, वो बोलेगा आई हैव अराइव्ड इन योर स्ट्रीट। तो उसने कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट लगाने, क्यों? वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। नंबर टू कहां इस्तेमाल करेंगे इसको? To talk about a repeated action, ऐसा काम जो past में होता रहता था। I have visited California every summer since I was 18. मैं हर summer में, हर छुट्टियों में California जाता था जब मैं 18 साल का था। तीसरा कहाँ use होता है? To talk about an event that started in the past and is still happening on। बच्चों अभी आपको ना थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा, मैं बताता हूँ क्यों आपको अजीब लगेगा, इसमें आपका कसूर नहीं है। आपने जहां भी इंग्लिश पढ़ी ना वो ये तीसरा पॉइंट पढ़ाता है, ठीक है? वो ये बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना बस वो यही है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ अभी तक हो रहा है। सबने यही पढ़ा है ना अपना मैट्रिक तक, जो भी आपकी वो एजुकेशन है आपने यही तक पढ़ा है ना। ये वाली जो दो चीजें ये एड ऑन कर लो आज, ताकि तुम किसी को पढ़ाओ या किसी को बताओ तो उसको भी नॉलेज में इजाफा हो इस चीज से। ओलिविया एक नाम है तो उसके साथ हैज लगाया, हैज और हैव जब भी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑन अ ट्रिप टू इजिप्ट, इसका क्या मतलब है कि वो अभी भी गई हुई है, सही है? मुझे बताओ तुम लोगों को टेंसेस थोड़े से क्लियर हुए, याद आए, रिकॉल हो गया सब कुछ? स्पेशली नवाब आप मुझे बता दें।
ओके जी, चलते हैं जरा हम अब जितना हमने पढ़ा है उसका एक रिकॉल करते हैं। क्या रिपीट कर दूं? जुलेखा जल्दी बताओ बेटा, टाइम कम है, टेस्ट भी करना है। जल्दी 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 क्या रिपीट करना है? प्रेजेंट परफेक्ट रिपीट कर दूं? ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल करोगे? कोई काम पास्ट में शुरू हुआ अभी तक चल रहा है, सही है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो टूर लगाने गया हुआ कहीं बाहर मुल्क, तो आपने बोला माय अंकल हैज गॉन ऑन अ ट्रिप टू मलेशिया, मतलब गए वो अभी नहीं है, गए हुए वो 2 महीने से, काम शुरू पास्ट में हुआ था, ठीक है। अब समझ में आया थोड़ा? सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट बता दूं, चलें सिंस और फॉर भी लिख लें, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, सिंस और फॉर। अच्छा मैं आपको जुमले देता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि यार इधर हम क्या यूज करेंगे। आई, अरे क्या हो, आई हैव बीन लिविंग इन कराची, लिविंग कराची सिंस 1995, माई बर्थ ईयर। आई हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर या फ्रॉम 1995 कर देते हैं, फ्रॉम स्लैश फॉर 1995। मुझे बताइए सही जुमला कौन सा है? सही जुमला है सिंस। सही बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, मैं क्लियर कर देता हूं। नहीं लॉन्ग टाइम के लिए नहीं भी नहीं, अब ये समझो इसको होता क्या है। सिंस का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पॉइंट ऑफ टाइम चेंज ना हो। नहीं नहीं सुहेब, आपको किसी ने गलत थोड़ा सा गाइड किया हुआ, मैं सही कर देता हूँ इसको। पहले मैं सारी ये चीजें इरेज करूं यहाँ से, मैं आपको 2 मिनट में चीज समझाता हूँ, बहुत इजी है। देखो सिंस, सिंस का मतलब है जब पॉइंट ऑफ टाइम चेंज ना हो। मिसाल के तौर पे कोई अगर मुझसे पूछता है कि अभी मैं जिस घर में रह रहा हूं, सर आप इस घर में कब से रह रहे हैं, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग इन दिस हाउस, आप कितने अरसे से या कितनी देर से रह रहे हैं, तो मैं उसको बोलूंगा आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। याद रखिए मैंने क्या जवाब दिया उसको, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। अब वो शख्स मुझसे मुलाकात करता है 10 साल बाद, राइट, वो 10 साल बाद सेम सवाल पूछता है कि सर आप इस घर में कब से रह रहे हैं, क्या मेरा जवाब चेंज होगा? जो जवाब मैंने उसको 10 साल पहले दिया था वही जवाब मैं अभी दूंगा, मैं वही जवाब दूंगा आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। मेरे वाले साहब एक कंपनी में मुलाजमत करते हैं, तो मैं एक एक मिसाल देता हूं, 1992 से काम कर रहे हैं, राइट, मैं लिखूंगा माय फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 1992। अब तुम मुझसे 5 साल बाद पूछो, 10 साल बाद पूछो, या कभी भी पूछो, मेरा क्या जवाब यही रहेगा? अगर तो ऐसा टाइम है जो चेंज नहीं हो सकता, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सिंस के साथ उसको हम शो करते हैं। बच्चों समझ में आया? बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है सुबह से, मिसाल लेते हैं सुबह से बारिश हो रही है, आप घर आए, आप अपनी वालदा से या घर में जो भी बड़ा आप उसे पूछते हैं यार बारिश कब से हो रही है, तो आपके घर वाले बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप इख्तलाफ करें, सर मॉर्निंग के साथ सिंस क्यों लगाया हमने? बेटा सिंस इसलिए लगाया कि तुम दोपहर में पूछो तो भी मेरा जवाब यही है, तुम शाम में पूछो तो भी मेरा जवाब यही है, तुम रात को 11 बजे आके पूछते यार बारिश कब से हो रही है, तो फिर मेरा जवाब यही होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर?
वो जो मैंने टेस्ट लेना है ना वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, मैं अभी मिस को भेज देता हूँ, मिस फॉरन ग्रुप में डाल देंगी। 20 सवाल हैं, तुम लोग कर लेना ठीक है, एमसीक्यूज पैटर्न पे मैंने बनाया हुआ है। बच्चों ये समझ में आ गया, मुझे फॉर भी समझाना है फिर आपको। इन्हीं तीन जुमलों का मैं आपको फॉर से भी करके दिखाता हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे कोई मुझसे पूछता है आपको इस घर में रहते हुए कितना अरसा हो गया है, ठीक है, आप कब से रह रहे हैं, तो मैं उसको बोलूंगा आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 3 years। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 3 years, मैं 3 सालों से रह रहा हूँ। अब वो शख्स 10 साल बाद आके मुझसे पूछता है तो क्या मेरा जवाब सेम रहेगा? सुहेब नहीं ना, अब मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 13 years। गुड, मेरे वाले साहब 92 से काम कर रहे हैं, ठीक है, एक मिसाल है, तकरीबन कितने साल हो गए, 10, 20, चलिए एक मिसाल है 25 साल हो गए, लेट सपोज। तो मैं ये कहता हूँ कि माई फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर द लास्ट 25 years, फॉर द लास्ट 25 years मेरे वाले साहब 25 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तुम 5 साल बाद मुझसे पूछो तो क्या मैं तुम्हें यही जवाब दूंगा? मैं तुम्हें कहूंगा माई फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर द लास्ट 30 years। तुम जब पूछोगे जब अलग जवाब मिलेगा। ओके, अगर मैं ये कहूं कि बारिश जो है वो 2 घंटे पहले शुरू हुई थी, इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है, 3-4 घंटे के बाद कोई आपसे फिर पूछे कि भाई बारिश कब से हो रही है यार, तो आप बोलोगे इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 5 आवर्स। कोई 3 घंटे बाद पूछेगा आप बोले इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 8 आवर्स। तो बेटा लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम का नहीं होता मसला, मसला ये है कि आपका टाइम पीरियड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या बार बार जवाब देते हुए आप एक ही आंसर कर रहे हो तो सिंस लगाओगे, और अगर आपका जवाब चेंज है तो फॉर लगाओगे। क्लियर? ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह मैंने आपको एक दिन सिखाया था गॉन और बीन टू का भी डिफरेंस, मेरे ख्याल से मैंने सिखाया था आप लोगों को। अच्छा जनाब, और ये रहा गॉन और बीन आ गया। जो बच्चों ने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो देख लो, हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखा करो। गॉन और बीन दोनों गो के लिए इस्तेमाल होते हैं, राइट? गॉन जो है वो आप तब लगाते हो जब वन साइडेड जर्नी हुई हो, सही है? वन साइडेड जर्नी, शी हैज गॉन टू फ्लोरिडा, मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रह रही थी और फ्लोरिडा गई है, तो वन साइडेड जर्नी है, गॉन आएगा। और अगर वो वापस आ गई और वो कहेगी आई हैव बीन टू फ्लोरिडा, मतलब मैं गई थी और अब मैं वापस आ चुकी हूं, फॉर अ कंप्लीट ट्रिप वी यूज बीन। समझ आ रही है टेंसेस की कि ये मुश्किल नहीं होते, आप ना अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रखते हो। रोजाना पढ़ो, रोजाना रोजाना अपनी चीजें रिवाइज करो। बेटा ये भी बहुत सारी चीजें सुनोगे, मैंने इस चीज को कंटिन्यू करना है अभी आगे ना, तो आज हमने प्रेजेंट तक पढ़ लिए, प्रेजेंट के सारे टेंसेस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह इसी को जितनी रिमेनिंग मेरी क्लासेस हैं इसको आगे करेंगे। टेस्ट मैं भिजवा रहा हूँ, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, टेस्ट आप सबने सॉल्व करना है, ठीक है? चलें जी, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, दुआओं में याद रखिएगा, टाइम खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।